बीवी से इश्क कब होता है? एक खातून ने निहायत दिलचस्प सवाल किया। कहने लगी, तारत साहब, मैंने आपका हज का सफरनामा मुअल काबे शरीफ पढ़ा है, जिसमें आपने अपनी बेगम का तज़किरा इस तरह किया है जैसे वो आपकी बेगम ना हो, गर्लफ्रेंड हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि खातून, जब मैं अपने सफ़रनामों में गैर मनकुहा ख़वातीन का तज़किरा करता था तब भी लोगों का एतराज़ होता है, और अब अगर मनकुहा के साथ चहले करता हूँ तो भी एतराज़ होता है। अगर आखिरी उम्र में बिलाखे अपनी बीवी के इश्क में मुब्तला हो गया हूँ तो भी आपको मंजूर नहीं। वो खातून नहायत पुरमसरत अंदाज में कहने लगी, आखिरी उम्र में ही क्यों? मैंने उन्हें तो जवाब नहीं दिया, महज मुस्कुरा दिया, लेकिन मैं आपको राजदान बनाता हूँ। आखिरी उम्र में बीवी के इश्क में मुब्तला हो जाना एक मजबूरी है कि इतनी तवील रफाकत के बाद आपको एहसास होता है कि इस भली मानस ने मुझको बर्दाश्त किया, कभी शिकायत न की, अलबत्ता डांट टपट वगैरह बहुत की, तो बस यही इश्क में मुब्तला होने के लायक है। हमारे एक दोस्त का कहना है कि जवानी में बीवी एक आंख नभाती थी, मर्द आखिर मर्द है। दिल में ख्याल आता था कि अगर ये मर जाए तो सुभान अल्लाह, मैं दूसरी शादी कर लूं। अब इस बुढ़ापे में हर नमाज के बाद ये दुआ मांगता हूं कि या अल्लाह इसे सलामत रखना, ये मर गई तो मैं दर बदर हो जाऊंगा, मुझे तो कोई पानी भी नहीं पूछेगा, मुझे पहले ले जाना, इसे सलामत रखना।